दोस्तों मैं लाल मोहम्मद से एक पब्लिक चैनल से। दोस्तों आज जो है आपको एक घटना की खबर हम देने जा रहे हैं कि जास्मीन अपार्टमेंट में किस्मत कॉलोनी के अंदर, जो किस्मत बेकरी के पीछे है जास्मीन अपार्टमेंट, वहां पे हाजी मुनव्वर साहब देख रहते हैं, उनकी फैमिली के साथ एक घटना हुई है और वो घटना बहुत एक अफसोस निंदा की जाती है, उसके लिए जितना भी कहा जाए उसके लिए कम है, क्योंकि इसके लिए जो है ये घटना उनकी बहू को लेके हुआ है, जो कि उनकी बहू, उन्होंने 3 साल पहले शादी की थी और शादी करने के बाद में उसका बहू का, लड़की का आना जाना था उनकी और अच्छे से रहते थे, लेकिन कुछ दिनों से उनके घर में जो है वो उनके ससुराल वालों को लेके तनाव है। ये लोग मतलब नहीं चाहते है कि मतलब हमारी बहू हमारे घर से जाए, लेकिन फिर भी वो लोग भेजना नहीं चाहते। इसी को लेके 4 दिन पहले वो लड़की किसी तरीके से अपने घर से भाग के जब आ गई इनके घर में, तो वो लड़की उन लड़की को और अपने लड़के को इन्होंने अरतगेर में जो है, वहाँ पे उनका एक घर है वहाँ पे उन्होंने रखा, और वहाँ पे रखने के बाद में इन लोगों ने, जो लड़की के घर वाले थे, ये लोगों ने उसको वाच करके रखे थे, और वहाँ से 10-15 लोग जाके और छुरी और चाकू लेके वो लड़की को घर से घसीट के और अपने यहाँ फिर लेके गए। इसी चीज को लेके डाइगर पुलिस स्टेशन में यह मैटर गया था और डाइगर पुलिस स्टेशन में FIR भी दर्ज होने वाली थी और सामान भी उनके साथ कुछ बरामद हुआ था, छुरी चाकू जो भी धारदार सामान था। और लेकिन हाजी मुनव्वर ने कहा यह चीज कि हाँ भाई, ये रमजान का महीना है, रमजान के महीने में हम झगड़ा या लड़ाई नहीं चाहते हैं, और किसी का घर वाला अगर पुलिस चौकी में बंद रहा है या जेल में जाए, हमको वो चीज नहीं अच्छा करना है, ये चीज को यही खत्म कर दो। टाइगर पुलिस स्टेशन में FIR नहीं दर्ज हुई थी, ये मैटर वही खत्म हो गया था। उसी मैटर को लेके कल शाम के टाइम में तकरीबन 8:30 बजे रोजा खोलने का जो एक टाइम होता है, लड़का दूध लेने के लिए गया और दूध लेके जैसे ही आया उसके ऊपर कुछ लोगों ने, महाराजा कॉर्नर के ऊपर खड़े थे, कुछ लोगों ने धारदार हथियार से और सरिया से उसके पीछे से वार कर दिया, तो काफी वो घायल हो गया है और काफी ज्यादा मतलब उसके ऊपर मार लगी हुई है। उसकी FIR भी मुमरा पुलिस स्टेशन में दर्ज हुई है। आइए हमारे जो पत्रकार है रिपोर्टर रफी कामदार, उन्होंने कुछ उनकी वालिद साहब से, हाजी मुनव्वर से कुछ बातचीत करी है, तो आइए सुनिए उनकी जबानी कि ये क्या घटना हुई है, कैसे हुई है। क्या नाम है आपका, कहाँ रहते हैं और आपके बच्चे के साथ कल शाम को क्या वारदात हुई, कहाँ पर हुई? मेरा नाम मुनव्वर हुसैन शेख है, मैं किस्मत कॉलोनी जास्मीन अपार्टमेंट में मैं रहता हूँ। हाँ, मेरा लड़का कल जो है दूध लेने मिश्रा के तबेले में, जब रोज़ का मामूल है, रोज़ आना आता जाता है, तो रोज़ के मामूल के हिसाब से कल भी जो है वो अवतार करने के बाद, वो नमाज पढ़ने के बाद वो दूध लेने वो मिश्रा के तबेले में गया। कहाँ है ये मिश्रा? मिश्रा का तबेला अमरुद नगर में जनता बैगरी के पीछे है। अच्छा। हाँ, तो वहाँ से मतलब आज 8-10 साल से वहीं से दूध आता है और डेली का मामूल है। तो वहाँ से जब हमारा लड़का वहाँ से निकल रहा था, तो महाराजा कॉर्नर के पीछे जो है उसके कुछ गुंडों ने उसको घेर लिया और हथियारों से उसके ऊपर अचानक हमला कर दिया। कौन थे वो गुंडे लोग और क्यों हमला करने की वजह क्या थी? हमला करने की वजह मतलब इन लोगों ने जो हमला किया है जो इसके ऊपर, इसका तो समझ में नहीं आ रहा, लेकिन 4-5 दिन पहले जो है इसका और हमारे समझी जो अनवार हमारा लड़का उसके ससुर थे, तो बेटी को लोग बोल रहे थे जब आप अलग कर दोगे तो हम विदा करेंगे, अगर आप अलग नहीं करोगे इन दोनों को तो हम विदा नहीं करेंगे। तो हम लास्ट में मजबूर होकर हमने कहा कि भाई ठीक है हम अलग कर देंगे, तो भी वो भेज नहीं रहते, लेकिन 4 दिन पहले हमारी बहू हमारे यहाँ आ गई, तो हम उनको ले जाके खर्डी रोड पे हुदा करें, खर्डी रोड न्यास कंपाउंड में हुदा बिल्डिंग है और उधर हमारा एक छोटा सा घर भी है अपना पत्रे का बना हुआ, हमने उनको बोल दिया कि आप लोग यहाँ हम शिफ्ट कर दें, आप लोग यहाँ पे रहो। तो मैं मगरिब तक तो वहाँ था, लेकिन मगरिब तक जो है वहाँ रहने के बाद जब यहाँ चला है, आने के बाद मालूम पड़ा कि अनवा ने भूल गया गब्बू घर पे 15-20 लोगों ने जो है उधर घर का दरवाजा तोड़ रहे। अच्छा, ये कब की बात है? ये 4 दिन पहले की बात। अच्छा, मतलब कल से 3 दिन और पहले, मतलब आज से 4 दिन पहले की बात। तो उसने कहा कि उन लोग दरवाजा तोड़ रहे हैं, अब जो है बच्चे लोग हमारे यहाँ से, फिर हम लोग जो है वहाँ से निकले घर की तरफ उसकी तरफ, तो वहाँ जाने के बाद मालूम पड़ा कि 4-5 जन चाकू चापड़ ले गए, हालांकि मारे पीटे नहीं हमारे लड़के को उस दिन, लेकिन हमारी बहू को उठा ले। अच्छा। हाँ, उन लोग उठाने में कामयाब होकर हमारी बहू को उठा के लेके चले गए।
आपने तो बहू उनकी लड़की थी। हाँ उनकी लड़की थी। हाँ मतलब हमारी उनकी लड़की थी और हमारी बहू थी, दरवाजा तोड़ के बहू को लेके चले गए। तो उस दिनों मसला हुआ था, तो मसला ये डायगर पुलिस चौकी में गया हुआ। अच्छा, ये आपके बहू को लेकर के जो भी है आपके समधियों के साथ में आपका आपके बेटे का जो भी डिस्प्यूट चल रहा है, ये कितने दिन से चल रहा है? ये तकरीबन दो तीन महीने से चल रहा है। हाँ, हाँ। तो कल ये अचानक ऐसी क्या बात हो गई जो मारपीट करने की नौबत आ गई, हमला करने की नौबत आ गई, आपके बेटे अनवर पर हमला किया गया? ऐसी क्या वजह थी, क्यों किया इन्होंने हमला आपके समधी के लोगों ने? हाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि उसका मर्डर करना चाहते थे, और अगर ज़रा सा जो चोट लगी हुई है हम जो है आपको दे देंगे वीडियो। हाँ। जो अगर ज़रा सा और कामदार भी अगर अंदर चला जाता ना, तो यकीन मान हम अपने बच्चे से महरूम हैं। अच्छा, आपने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है? हाँ, पुलिस में डायगरी भी उस दिन भी दर्ज कराई थी। हाँ। और चार लोगों को उन्होंने गिरफ्तार भी किया था, और बाद में उन्होंने कहा कि आप क्या कहते हैं, लेकिन बाद में हमने कहा कि हमारे रिश्तेदार हैं और सब मतलब वो हमारी बहू के चाचा और उसके भाई वही लोग थे जो गिरफ्तार थे। तो हमने जाकर उनको कहा कि भाई रमज़ान का महीना हम लॉकडाउन में नहीं चाहते, फिर हमको उनको छोड़वा दिए। अच्छा, कल जो मारपीट हुई है अनवर के साथ, जो हमला हुआ है, उसकी शिकायत आपने मोरा पुलिस में कराई है, तो कितने लोगों को गिरफ्तार किया है और कितने लोगों के खिलाफ आपने शिकायत कराई है? हाँ, हम लोगों ने 3 लोगों के खिलाफ शिकायत की है जिन लोगों ने हमला किया है, और उनके बच्चे लोगों ने हमला किया है। क्या नाम है उनके, बता सकते हैं? हाँ, उनका नाम, एक का नाम है परवेज खान, कादिर खान और फैजान खान और उनके बच्चे। अच्छा, ये रहते कहाँ हैं? ये महाराजा कॉर्नर के सामने ही उनका घर है, पहले माले MK कंपाउंड में। हाँ, MK कंपाउंड में, वो साई करे की बिल्डिंग का नाम है। हाँ, साई ग्रुपा बिल्डिंग। हाँ, मैं लाल मोहम्मद शेख फिर एक नई न्यूज के साथ हाजिर हूँ, जब तक के लिए खुदा हाफिज़।